में हम देखने जा रहे हैं वाई वाई की डायनामाइट। मैं तो आज इसे पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। देखने में तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लग रही है। एक्स्ट्रा स्पाइसी तामा। तो जैसा आपको पता है वाई वाई एक नेपाली कंपनी है और इसके पीछे कुछ इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और न्यूट्रिशन फैक्ट इस तरह से है। और इसको बनाने का तरीका एकदम नॉर्मल नूडल्स जैसा है। मैन्युफैक्चर नेपाल में हुई है। इसका जो रेट है वो है 50 रुपए, 100 ग्राम 50 रुपए है नेपाल से, क्योंकि ये इम्पोर्ट हुई। अच्छा इसको खोल के देख, इसमें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल कुछ इस तरह से अलग से दी गई है। एक सीजनिंग पाउडर मिल जाता है और एक ऑयल मिल जाता है। सीजनिंग पेस्ट है ये, जो कि रेड चिली का होगा क्योंकि एकदम रेड है, देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। चलिए वेजिटेबल डिहाइड्रेटेड वाली खोल के देखते हैं। जैसे ये तो मटर है बड़ी बड़ी, इसमें कुछ हर्ब्स है और एक गाजर है। चलिए इसे जल्दी से बना के ला। 400 ml पानी लेना है। 2 कप पानी डाल दिया। तीनों चीजें एक साथ ही डालनी है, पर हम ये जो सॉस है ये बाद में मिलाएंगे। सबसे पहले डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल और सीजनिंग, अपनी नूडल्स डाल लेते हैं। इसमें जो खुशबू आ रही है कुछ कुछ इंडियन स्पाइसेस जैसी ही आ रही है। अरे मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, इंडिया नेपाल में अंतर ही क्या है। इस प्रकार से अभी मैंने इसमें ये चिली सॉस नहीं मिलाया क्योंकि मैं इसे पहले बिना चिली सॉस के टेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद चिली सॉस के साथ। मैं बोल में इसलिए नहीं निकालता क्योंकि मेरे को आपको दिखाना होता है, मैं रिव्यू कर रहा हूं ताकि आपको सही से दिख सके। देखिए नूडल्स साइज इसका काफी थिक है मैगी के मुकाबले। अब आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? आप बिल्कुल इससे कंपेयर कर सकते हैं, जो कोरियन नूडल्स आती है बिल्कुल उतने जितनी इसकी थिकनेस। मटर, गाजर और कुछ और हर्ब्स मिले हुए हैं। चिली सॉस निकाल लेते हैं। चिली सॉस बिल्कुल रेड है, ऑयल बेस पे बना है। टेस्ट करके देखते हैं। अरे मजेदार है, तीखे के साथ इसमें एक और फ्लेवर आ रहा है। नेक्स्ट सॉस के खाते हैं। अरे वाह, ये तो बिना सॉस के इतनी टेस्टी है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे वाह, चलिए अपना चिली सॉस मिला लेते हैं। मिलाते ही कलर चेंज हो गया, बन गई डायनामाइट। एक बहुत मस्त सी खुशबू आ रही है, जैसे अचार की। कम डालिएगा सॉस, पूरा मत डालिएगा। अरे बहुत तीखी है, पानी पीना पड़ गया। काफी स्पाइसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल स्पाइसी स्पाइसी है, उसके साथ ये बहुत टेस्टी भी है। बहुत गजब है, बहुत गजब। मेरी हालत तो देख लिया आपने इसको खाने के बाद, काफी तीखा है भाई लेकिन बहुत टेस्टी है। ये लगभग मैंने पूरी खत्म कर ली है, तो मैं आपको इसका फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ। तो बिल्कुल इसको मैं हफ्ते में 2 बार खा सकता हूँ, इतनी टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि केवल मिर्च मिर्च है, उसके साथ एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है जो कि इस सॉस का है। लेकिन वहीं पे इसका कंपैरिजन अगर मैं इससे करूं, सुपर स्पाइस नॉन शिनम की हमने खाई थी, ये तो मतलब क्या बताऊं, ये केवल इसमें मतलब फ्लेवर बहुत कम था, मजा नहीं आया था मतलब मेरे को इसे खा के, क्योंकि ये केवल मतलब मिर्च मिर्च लग रही थी इसे खाने में, कोई फ्लेवर नहीं आ रहा था। कहने को तो मशरूम वगैरह बहुत डाले थे लेकिन कोई मतलब मजा नहीं आया। बहुत लोग इसे ऑफेंड हो सकते हैं, कमेंट में मेरे को गालियां भी पड़ सकती है, लेकिन पर्सनली मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत तीखी थी। पर ये मेरे को सही में बहुत ही पसंद आई। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये मैं फिर से नहीं खाऊंगा, इसको मैं हफ्ते में 2 बार तक खा सकता हूँ। ये आपको 109 रुपए की मिलेगी, लेकिन वहीं पे ये केवल आपको 50 रुपए की मिल जाएगी। तो मैं तो पर्सनली डायनामाइट खाऊंगा, बहुत टेस्टी है, आपको बिल्कुल इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप फैन ना हो जाए तो बताइएगा मेरे। प्लेट चाट ली गई है।